क्या आपको पता है हिंदू धर्म के कुल 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कारों में 16वां संस्कार यानी कि आखिरी संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है, जो कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद किया जाता है। और इस संस्कार के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें शव का दाह संस्कार कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। और इसके अलावा दाह संस्कार के समय अंतिम संस्कार की क्रिया करने वाला व्यक्ति एक घड़े में पानी भरकर चिता पर रख के शव की परिक्रमा करता है और इसके बाद उस मटके को नीचे गिरा के फोड़ दिया जाता है। और अब सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है और घड़े में पानी भरकर चिता पर रख के शव की परिक्रमा क्यों करते हैं, तो चलो आज हम आपको इसके पीछे का भी सच बता ही देते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में आपके लिए एक स्पेशल फैक्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक नॉर्मल इंसान के शरीर यानी कि आप और मैं, हमारे शरीर की कीमत कितनी होती है। और इन तीनों रैंडम फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो गरुड़ पुराण के अनुसार रात में यानी कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार को हिंदू धर्म के शास्त्र के विरुद्ध माना गया है, इसीलिए रात में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को रखकर सुबह होने तक का इंतजार करते हैं, उसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद दाह संस्कार किया जाता है। और रात में यानी कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने पर यह माना जाता है कि स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नर्क के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में जीव की आत्मा को नर्क का कष्ट भोगना पड़ता है। और इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति को कोई अंग दोष भी हो सकता है। और इसके साथ ही घड़े में पानी भरकर शव के चारों ओर परिक्रमा करने और अंत में मटके को फोड़ने के पीछे की मान्यता ये है कि आत्मा का शरीर के प्रति मोह भंग करना है। और शव की परिक्रमा के दौरान व्यक्ति के जीवन की कहानी को बताया जाता है। इसमें मनुष्य को घड़ा माना जाता है और घड़े में जो पानी मौजूद होता है उसे व्यक्ति का समय मानते हैं। जैसे जैसे पानी छेदते होकर बूंद बूंद करके कम होता है, वैसे उस व्यक्ति की आयु कम होती है। अंत में घड़ा फोड़कर यह संकेत दिया जाता है कि व्यक्ति की आयु खत्म हो गई है और शरीर में रहने वाली आत्मा मुक्त हो गई है। तो बस यही था इसके पीछे का सच। और अब बात करते हैं आज के हमारे स्पेशल फैक्ट के बारे में। तो क्या आपको पता है अगर हमारे शरीर के बोन मैरो और डीएनए और लंग्स, किडनी एंड हार्ट, इन सभी को मिलाकर बेचे और फिर कैलकुलेशन करें तो आपका शरीर करीबन 300 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। और ये बात अपने आप में अमेजिंग जरूर है। वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। और वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के लिए।